हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? तो अब बच्चों की हो गई है छुट्टियां शुरू, उनके शाम के नाश्ते के लिए चलो कुछ इजी सा बनाते हैं। इसमें मैंने एक भगोनी में 1.5 लीटर पानी लिया है और 1.5 ही बाउल मैंने पास्ता लिया है। और इसमें अब हम 1 चम्मच नमक और वेजिटेबल ऑयल डालकर 2-3 उबाल आने के लिए रख देंगे। ये मैंने इसमें वेजिटेबल्स लिए हैं, आपके पास जो वेजिटेबल्स हो आप वो सब डाल सकती हैं। और कुछ भी ना हो तो आप प्याज और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। अपने पास्ता में 2-3 उबाल आ गए हैं तो इसको हम बंद कर देंगे। ये देखो ट्रांसपेरेंट से दिखने लग जाएंगे आपके, और इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर ओवर कुक हो भी जाए ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे छान कर फैन की हवा में रख दीजिए। और चलिए फिर अब हम कर लेते हैं अपने पास्ता की तैयारी, अपने पास्ता सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उस मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया है वेजिटेबल ऑयल, और अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डालिए, मैं अपना देसी घी डाल लेती हूँ। और इसमें हमने जो ये लहसुन लिया था छोटे छोटे चॉप करके हम ये डाल देंगे। गैस को हम थोड़ा स्लो कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स मुझे करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एकदम इजी और फटाफट बनने वाला नाश्ता है, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब इसमें हमने ये प्याज डाल दिए चॉप करके, और जो मैंने ये गाजर है ना ये भी मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप की है। अगर हम थोड़ा सा भी मोटा चॉप करते हैं ना तो बच्चे साइड में निकाल निकाल के सब वेजिटेबल साइड में कर देते हैं, मेरे बच्चे तो कर देते हैं, तो मैंने एकदम इसको एकदम बारीक बारीक चॉप कर दिया, चॉपर में ही चॉप कर लिया मैंने इसको। और एकदम इसमें ये पास्ता की सॉस बनेगी ना उसमें मिक्स हो जाएगा और उसका कलर भी अच्छा आएगा, और बच्चे इसको आराम से हमारे सब वेजिटेबल्स खा भी लेंगे, जो सब खाने में नाटक करते हैं ना वो सब। अब ये हमारा थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें मैं 2 टमाटर डाल लूँगी। और आपके बच्चे थोड़ा टैंगी सा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सॉस भी डाल सकते हैं 2 चम्मच इसमें। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, उसी से ही मेरा थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। एक्चुअली मेरे जो टमाटर थे ना वो देसी वाले थे तो वो थोड़े खट्टे ही होते हैं। अब इसको थोड़ा भुनेंगे हम, और इसमें 2 चम्मच मायोनीज डाल देंगे, इससे इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम क्रीमी सा आ जाएगा। अगर आपके पास मायोनीज ना हो ना तो उसका भी मैं बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं लास्ट में। अब इसको हल्का सा भून लेंगे, और 1 पाउच इसमें हम पास्ता का जो मसाला आता है ना वो डाल लेंगे। अगर आपके पास पास्ता मसाला भी ना हो ना तो आप इसमें ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल लीजिए, सेम वही टेस्ट आएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसका एकदम अच्छा देखो पास्ता सॉस हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमारा जो पास्ता है वो ठंडा भी हो गया है तो वो डाल लेंगे अब इसमें। और मैंने बताया था ना आपको कि मैं लास्ट में बताऊंगी अगर आपके पास मायोनीज ना हो तो क्या करें। हमारे पास जो दूध की मलाई होती है ना इसमें वो 3-4 चम्मच डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए, उसका टेक्सचर भी सेम मायोनीज जैसा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही मस्त आएगा। तो आप इसे ट्राई करिए और फिर बनाइए, और कैसा बनता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम।